हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्वांटिक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अस्त्रों के लिए प्रमाण के बारे में। आपको परमाणविक स्पेक्ट्रा के बारे में समझाया जा रहा है। अब तक आपको बताया गया कि स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें आपको बताया गया कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया करता है तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं और इस ऊर्जा की मदद से वे उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक अस्थायी तलस्थ अवस्था में लौटते हैं तो वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विकिरण की उत्पत्ति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, तो इसमें आपने देखा कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करेंगे तो परमाणु और अणु जो हैं ऊर्जा अवशोषित करेंगे और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे और 10.8 सेकेंड में ही वहां से वापस लौटेंगे निम्न ऊर्जा स्तर में, और रास्ते में जो है जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है उसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकाल देंगे, विकिरण रेडिएशन के रूप में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यह आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अब आइए देखते हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों समझते हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद, ठीक है, किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद जो उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। परमाणु अणु और आयन विकिरण के अवशोषण पर एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर कैसे करेंगे, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करेंगे अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है, और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस तरह से उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए किसी सैंपल को किसी प्रतिदर्श को गर्म करेंगे अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है, और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इस तरह से हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक निगेटिव की तरह होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी या निगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है, ठीक है, जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डालेंगे तो वह क्या करेगा, विकिरण के कुछ तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्ध्य, ठीक है, द्रव्य के द्वारा जो अवशोषित विकिरण होगा वह दिखाई नहीं देगा। अब द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें चमकीले स्पेक्ट्रम मिलेंगे और काले स्पेक्ट्रम मिलेंगे, गहरे रंग के स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो जो गहरे रंग के स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं वही स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम को बता रहे हैं, क्योंकि द्रव्य जो है
वह अवशोषित विकिरण के संगत लुप्त तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जो लुप्त तरंग दैर्ध्य है वही दिखाई देगा चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग के रेखाओं के रूप में, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में, उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में। इसमें आपने देखा किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है, और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को, एब्जॉर्प्टिव एनर्जी को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है, ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी निगेटिव की तरह होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी निगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को, ठीक है, जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है, सैंपल पर डाला जाता है, तो वह विकिरण के कुछ तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण के कुछ तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है, ठीक है। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वह सतत होता है, क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैगनी तक सभी तरंगदैर्ध्य उपस्थित होते हैं, ठीक है। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से लेकर बैगनी तक के सभी तरंगदैर्ध्य उपस्थित होते हैं। इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैगनी तरंगदैर्ध्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। गैस में क्या होता है, गैस अवस्था में परमाणुओं का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है लाल से बैगनी तरंगदैर्ध्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। तो गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैगनी तरंगदैर्ध्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनमें केवल विशेष तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है। गैस अवस्था में केवल विशेष तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश का उत्सर्जन होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणवी स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैगनी तरंगदैर्ध्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणवी स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। चित्र 2.10, ठीक है। तो आप देखें यह फिगर है आपका 2.10, इसको समझें ध्यान से।
दो फिगर है क और ख। क जो फिगर आप देख रहे हैं परमाणवीय उत्सर्जन को दिखा रहा है और ख जो है वह परमाणवीय अवशोषण को दिखा रहा है। ठीक है, परमाणवीय उत्सर्जन में आप देख रहे हैं यह उत्तेजित प्रतिदर्श है, उत्तेजित सिंपल है, उत्तेजित प्रतिदर्श। ठीक है, जिसको एक प्रिज्म से गुजारा जा रहा है और यह फिल्म या संसूचक है जिसपे इसके सातों कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उत्तेजित प्रतिदर्श परमाणु उत्सर्जन को दिखाया जा रहा है क वाले फिगर में। ख वाले फिगर में यह एक स्रोत है जो सफेद प्रकाश का स्रोत है, यह प्रतिदर्श द्वारा इसका अवशोषण हो रहा है, उसके बाद फिल्टर से इसको प्रिज्म में गुजारते हैं, प्रिज्म के बाद इस पे एक फिल्म या संसूचक प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला जो है वह परमाणवी उत्सर्जन का है, दूसरा जो है परमाणवी अवशोषण का है, और यह दो तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पहला जो स्पेक्ट्रम है यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे काले लाइन है, चमकीले लाइन है, काले लाइन है, चमकीले लाइन है, इस तरह से स्पेक्ट्रम मिल रहा है। बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य को दिखाया जा रहा है, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का यह फिल्म है, यह अवशोषण स्पेक्ट्रम का फिल्म आप देख रहे हैं, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य को इसमें भी दिखाया गया है, अवशोषण स्पेक्ट्रम का फिल्म। तो पहला जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का संसूचक है, फिल्म है, जिसमें परमाणु उत्सर्जन को प्रदर्शित किया जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणुओं या किसी और तत्व के उत्तेजित प्रतिदर्श द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को एक फिल्म से गुजारकर विविक्त तरंग दैर्ध्यों की रेखाओं में पृथक किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं या और किसी तत्व के उत्तेजित प्रतिदर्श द्वारा, यह आपका एक उत्तेजित प्रतिदर्श है, एक्साइटेड सैंपल है। ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश को, यहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इसको प्रिज्म से गुजारा जा रहा है, प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजार कर विविक्त तरंग दैर्ध्यों की रेखाओं में पृथक किया जाता है, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों की रेखाओं में पृथक किया जाता है। अतः उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो पृथक तरंग दैर्ध्यों का फोटोग्राफिक संसूचन होता है वो रेखा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि यह पृथक तरंग दैर्ध्यों का फोटोग्राफिक संसूचन होता है। किसी निश्चित आकार के प्रतिदर्श में बहुत अधिक संख्या में परमाणु होते हैं। ठीक है, किसी निश्चित आकार के प्रतिदर्श में बहुत अधिक संख्या में परमाणु होते हैं, हालांकि कोई एक परमाणु किसी एक समय पर ही एक ही उत्तेजित अवस्था में हो सकता है, कोई एक परमाणु किसी एक समय पर एक ही उत्तेजित अवस्था में हो सकता है, किंतु परमाणुओं के समूह में सभी संभव उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। जब ये परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो उत्सर्जित प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे रेखा स्पेक्ट्रम भी इसको कह सकते हैं आप। यह दूसरा जो है यह अवशोषण स्पेक्ट्रम है। जब सफेद प्रकाश को, यह सफेद प्रकाश आप देख रहे हैं, जब सफेद प्रकाश को अनुत्तेजित, ठीक है, अनुत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु से एक किसी रेखा छिद्र पर, किसी रेखा छिद्र और फिर प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्राप्त प्रकाश में कुछ तरंग दैर्ध्यों की तीव्रता का अभाव हो जाता है। यह संसूचित स्पेक्ट्रम भी एक रेखा स्पेक्ट्रम होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक निगेटिव होता है, जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें उत्तेजित प्रतिदर्श लेना पड़ता है,
जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सफ़ेद प्रकाश का स्रोत लेना पड़ता है। और प्रतिदर्श यह एक प्रतिदर्श इसमें भी होता है, लेकिन यह अनुत्तेजित होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्तेजित होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा? जब परमाणु जो है, परमाणु के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में सिंपल होता है, लेकिन जब हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उस समय सिंपल जो होता है, प्रतिदर्श जो होता है, वह अनुत्तेजित अवस्था में होता है। ठीक है, उस समय हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैगनी तरंग दैर्ध्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनके बीच में काले स्थान होते हैं, काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की अभिलाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणु को पहचानने के लिए उसी प्रकार उपयोग में लाई जाती है जिस प्रकार अंगुलियों के निशान मनुष्य को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख रहे हैं कि रासायनिक विश्लेषण में परमाणु स्पेक्ट्रम के अभिलाक्षणिक रेखाएं जो हैं अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए उसी प्रकार से प्रयोग में लाई जाती हैं जिस प्रकार अंगुलियों के निशान जो हैं मनुष्य को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का यथार्थ मिलान आदर्श प्रतिदर्श की रेखाओं से तत्वों की पहचान के लिए रॉबर्ट बुनसन ने सर्वप्रथम किया। ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं का यथार्थ मिलान अज्ञात प्रतिदर्श की रेखाओं से तत्वों को पहचानने के लिए रॉबर्ट बुनसन ने सर्वप्रथम किया। ज्ञात और अज्ञात का मिलान कर दिया जाए और तत्व को पहचान लिया जाए। ठीक है, यह रॉबर्ट बुनसन के द्वारा सबसे पहले किया गया। ठीक है, इस आधार पर रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम आदि तत्वों की खोज किया गया। यह खोज जो है उनके स्पेक्ट्रमी, उनके खनिजों के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से किया गया है। सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति भी स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात की गई थी। सूर्य में हीलियम तत्व पाया जाता है, इसकी भी खोज जो है स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, परमाणु उत्सर्जन कैसे होता है इसके लिए आपने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु या किसी और तत्व के उत्तेजित प्रतिदर्श लेते हैं। ठीक है, इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं और प्रिज्म से गुजारने पर विविध तरंग दैर्ध्य के रेखाओं में इसको अलग किया जाता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के रेखाओं में इसको अलग कर लिया जाता है, जैसा फिगर आप देख रहे हैं। अतः उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो पृथक तरंग दैर्ध्यों का फोटोग्राफिक संसूचन होता है इसको रेखा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। किसी निश्चित आकार के प्रतिदर्श में बहुत अधिक संख्या में परमाणु होते हैं, हालांकि कोई एक परमाणु किसी एक समय पर ही
उत्तेजित अवस्था में हो सकता है, किंतु परमाणुओं के समूह में सभी संभव उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। जब ये परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उत्सर्जित प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो परमाणु उत्सर्जन का हो गया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। दूसरा है आपका परमाणवीय अवशोषण के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि जब सफ़ेद प्रकाश को अनुत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु से किसी रेखा छिद्र और प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्राप्त प्रकाश में कुछ तरंग दैर्ध्यों की तीव्रता का अभाव हो जाता है, कुछ तरंग दैर्ध्यों की तीव्रता का अभाव हो जाता है। यह संसूचित स्पेक्ट्रम भी एक रेखा स्पेक्ट्रम होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफी निगेटिव होता है। ठीक है, यह अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, इसमें कुछ स्पेक्ट्रम का अभाव हो जाता है। ठीक है, कुछ तरंग दैर्ध्य जो हैं उनकी तीव्रताएं दिखाई नहीं देती हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा होता क्या है, इसमें आपने देखा कि किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरित करके ऊर्जा दी जाती है और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी निगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है, ठीक है, सैंपल पर डाला जाता है तो वह विकिरण के कुछ तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है कि दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंग दैर्ध्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुवी स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक विश्लेषण में परमाणवी स्पेक्ट्रम की अभिलाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए उसी प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं जिस प्रकार उंगुलियों के निशान मनुष्य को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का एग्जैक्ट मिलान, सही सही मिलान अज्ञात प्रतिदर्श की रेखाओं से तत्वों को पहचानने के लिए रॉबर्ट बुनसेन ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, इस मिलान के आधार पर ज्ञात और अज्ञात का रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम आदि तत्वों की खोज हुई थी जब उनके खनिजों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण किया गया था। सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति भी स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा किया जाएगा हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।